हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आज हमने प्रिपेयर की है मावा कुकीज़। तो ये कुकीज़ बहुत ही इजी है बनाने में और फेस्टिवल्स के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी कुकीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी रेसिपीज़ के लिए नोटिफिकेशंस मिल पाए इजीली। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है वो बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसकी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में मेंशनड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेथड को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हमने बटर लिया है, यहाँ सॉल्टेड अमूल का बटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए बिल्कुल ही, फ्रिज से निकला हुआ आपको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, पाउडर्ड शुगर ली है। सारी की सारी क्वांटिटी जो भी हमने मेंशन की है वीडियो के लास्ट में आपको पूरा रेसिपी कार्ड मेंशन है, तो अब वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आपको इसे बीट करना है। यहाँ पर आपको बीट स्लो स्पीड से बीट करना है, बिल्कुल जब तक बीट करना है जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता इसका कलर। आप यहाँ पर देख सकते हो धीरे धीरे बटर एंड शुगर का कलर चेंज होता जा रहा है जितना हम इसे बीट करते जा रहे हैं, और ये थोड़ा लाइट भी होता जा रहा है इसका टेक्सचर। इसे आप हैंड विस से भी आप बीट कर सकते हो, बस अच्छे से हमें यहां पर इसे फेंटना है। अभी यहाँ पर हम इसे अच्छे से फेंट चुके हैं, बीट हो चुका है। अब आपको इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। टेक्सचर आपको बिल्कुल ऐसा ही लेना है जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, लाइट येलो कलर का हो जाएगा ये। यहाँ पर हमने खोआ ऐड किया है, मावा ऐड किया है। आप यहाँ पर इंस्टेंट मावा भी ऐड कर सकते हो, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर पोस्टेड है। तो यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर ही आपको मावा लेना है और उसको आपको ऐड करना है। दोबारा से हम इसे बीट कर लेंगे, अच्छे से फेंट देना है आपको, जिससे कि ये सारा मिक्सचर एक हो जाए। ये अच्छे से हम बीट कर चुके हैं। अब यहां पर मैंने 1 TSP वाटर में सेफ्रॉन स्ट्रैंड्स को सोक किया हुआ है हाफ आवर्स के लिए, उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। 1 TSP वाटर ही लेना है, ज़्यादा आपको पानी नहीं लेना है इसके अंदर। अब इसको फिर से हम बीट कर लेंगे, जिससे इसका जो कलर है वो अच्छे से आपको पूरे के पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। यहाँ थोड़ी सी कार्डमम पाउडर है, इलायची का पाउडर, इसको फिर से हम बीट कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। यहाँ हम बीट कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल आपका ऐसा ही मिक्सचर प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस मिक्सचर के अंदर हमने बटर, शुगर, मावा और इलायची का पाउडर, सेफ्रॉन स्ट्रैंड्स को हमने ऐड करके इस मिक्सचर को प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर आपको एक छलनी लेनी है, सीव लेना है, उसको हमें इसे छान लेना है। यहाँ पर मैदा लिया है, मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हो, लेकिन ये कुकीज थोड़ी सी डेंस हो जाएंगी। डेंस इसलिए हो जाएंगी क्योंकि हमने यहाँ पर मावा भी ऐड किया है। बेकिंग सोडा के साथ मैं इसे ऐड करके इसे छान लूंगी अच्छे से। कोई भी लम्स अगर आते हैं तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ अच्छे से छान के आप इसको एक डो बना लेंगे। आप यहाँ पर फिंगर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स करके डो बना लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी मिल्क और वाटर कुछ भी ऐड नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि अगर हम इसमें बहुत सारा वाटर या मिल्क एक बार में ही हम ऐड कर देंगे तो आपका जो भी डो प्रिपेयर करोगे वो थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा या रनी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क यहाँ पर 1 TBSP जाएगा, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो और मिल्क आपको थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करना है।
अगर आपका डो बिना मिल्क ऐड किए अगर प्रिपेयर हो जाता है तो आपको मिल्क ऐड नहीं करना है। अगर आपका डो बनने में थोड़ा सा भी इश्यू आ रहा है, क्रम्बल हो रहा है, तो आप यहाँ पर 1 TBS पे मिल्क ऐड कर सकते हो, बट इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैंने इसको डो को बना लिया है। अब इसे हम क्लिंग रैप से कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद ये डो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्चमेंट पेपर को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर डो को प्लेस करेंगे, फिर एक पार्चमेंट पेपर और हम ऊपर से रखेंगे जिससे आप इसे रोल कर सके इजिली। तो इसे हम यहाँ पर बेलन से या रोलिंग पिन से किसी से भी हम इसे बिल्कुल चपाती जैसा हमें यहाँ पर रोल करना है इसे। ये मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब आप ऊपर से इस तरीके से पार्चमेंट पेपर को हटा देंगे तो आपकी जो चपाती है वो इजीली रोलेबल है। अब यहाँ पर हम कोई भी शेप का कुकी कटर लेंगे और इसको कट कर लेंगे अपने डिजायर्ड शेप में। जो भी हमें शेप चाहिए, राउंड चाहिए या फिर कोई भी हमें चाहिए, तो उसी शेप का आपको कुकी कटर लेना है और इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको कट करना है जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्लेस करना है कुकी कटर और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डो रोल करने के बाद सॉफ्ट लगता है तो आप इसे फ्रिज में उठाकर पार्चमेंट पेपर को ऐसे का ऐसा ही रख देंगे 5 मिनट के लिए और इजीली उसको रिमूव कर पाएंगे कुकीज को अपनी। यहां पर हमने कट कर दी है, थोड़े से इस पे पिस्टेचियोज, कैश्यूज, आमंड्स, कुछ भी आप जो भी आपको नट्स इसमें प्लेस करना है वो आप प्लेस कर सकते हो। लगाना है और हल्का सा प्रेस कर देना है नट्स को। तो यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ को लिया है, पैलेट नाइफ से या फिर आप यहाँ पर अपना नाइफ भी यूज कर सकते हैं और कुकीज को इजीली आप यहाँ से इनको पैलेट नाइफ की हेल्प से निकाल कर अपने बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको थोड़ा सा भी इश्यू आता है, सॉफ्ट लगता है, तो आप अपने पार्चमेंट पेपर को फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख लोगे तो इजीली आप इसमें से कुकीज को रिमूव कर पाओगे और बेकिंग ट्रे में अरेंज कर पाओगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी की सारी कुकीज को रिमूव कर दिया है। बाकी जो ये रिमेनिंग डो रहेगा उसको भी आप दोबारा से एक चपाती रोल करके पार्चमेंट पेपर की हेल्प से इसे रोल करके दोबारा से कट करके इसे बेक कर सकते हैं कुकीज को। ये जो कुकीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है टेस्ट में और बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो भी हमने आज तक कुकीज़ को लिया है ये उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है और फेस्टिव सीज़न के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे में एक पार्चमेंट पेपर, ग्रीस प्रूफ पार्चमेंट पेपर अरेंज किया है और उसमें यहाँ पर कुकीज़ को प्लेस कर दिया है और सारी कुकीज प्लेस करने के बाद आप अपने नट्स को, जितने भी आप इसमें नट्स को लगाना चाहते हो, आप नट्स को प्लेस करके इन्हें बेक करने के लिए रख दोगे। इजीली पैलेट नाइफ या नाइफ की हेल्प से हम इन्हें रिमूव करेंगे और बेकिंग ट्रे में अरेंज कर देंगे।